नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज। मैं आपके साथ हूं अर्चित। जैसा कि देश में कोरोना की दूसरी लहर लगभग थम चुकी है, भारत में अब कोरोना वायरस के एक्टिव मामले 81 दिन बाद सबसे कम यानी 60,000 से नीचे हैं। लगातार छठे दिन ये आंकड़ा तेजी से घटा है। वहीं बीते 24 घंटे की बात करें तो यहां कोरोना संक्रमण के 58,419 नए मामले सामने आए हैं और 1576 लोगों की मौत हुई है। ठीक इसी दौरान 87,619 लोग ठीक होकर घर पहुंच गए हैं। वहीं दूसरी ओर स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक कोरोना संक्रमण का कुल आंकड़ा 3 करोड़ पर पहुंचने वाला है। देश के कोरोना डेथ मीटर की रफ्तार पर भी कुछ ब्रेक लग चुका है, जहां देश में लगातार 37वें दिन कोरोना वायरस के नए मामले से ज्यादा रिकवरी हुई है। इसी तरह अब तक 27,66,93,572 लोगों की जिंदगी का टीका यानी कोरोना वैक्सीन लग चुकी है। बीते 24 घंटे में देश में 33 लाख वैक्सीन के टीके लगाए गए हैं। वहीं अब तक देश में करीब 33 करोड़ कोरोना टेस्ट भी हो चुके हैं। भारत में कोरोना से मृत्यु दर 1.25% है, जबकि रिकवरी रेट 96.27% है। वहीं एक्टिव केस घटकर 3% से कम हो गए हैं। कोरोना संक्रमण के एक्टिव केस मामले में दुनिया में भारत का तीसरा स्थान है, जबकि कुल संक्रमितों की संख्या के मामले में भी भारत का दूसरा स्थान है। जबकि दुनिया में अमेरिका, ब्राजील के बाद सबसे ज्यादा मौत भारत में ही हुई है।